मुरली बच्चों को पढ़ाना क्यों चाहते हो भाई? बाबूजी पढ़ने को तो कुछ कर लेगा, वहाँ भी ना कर पाएगा तो फिर बैठेगा। और जैसे तुम अब कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे? हम तो काम कर ही रहे, मान लियो तो काम कर रहे हो। हाँ तो वो पढ़ जाएगा तो कुछ अशिक्षित तो हो जाएगा, हमारी कुछ तो बदल जाएगा। अच्छा जैसे पढ़ाए के फिर क्या करवाओगे उससे? जो ऊपर वाला देगा वही होगा। अरे ऊपर वाला तो तुम्हें नहीं दे रहा? ऊपर वाला दे देगा, कहीं सर में छोटी मोटी पा जाए। नौकरी तो करानी है? हाँ तो अब एक बार बता, चपरासी की नौकरी कराएगा, क्या पैसे मिलेंगे चपरासी है? ऐसा सरकारी नौकरी कौन नहीं है, 30-40 हज़ार। 30 हज़ार मिल गई, चलो। और सरकारी में भी मिल गई मान लो। हाँ। रहा तो नौकरी वो, फिर भी नौकर तो दुनिया है भाभी। अब तुम बताओ, तुम अपने मर्जी के मालिक हैं, तुम आ रहे हो, तुम जो कर ले। नहीं वहाँ क्या नहीं होएगा, वहाँ आएगा राम सिंह इधर चाय ले कर, पानी ले कर, ठीक वो जन्म भूमि हो जाती है, जिंदगी को बात तो मरते मरते तक होगा। और ये जी तो वहाँ तो नौकरी से निकाल के भगा सके, यहाँ तो तुम्हारी हाथ में है, तुम जब जाओगे। बावजी तुम हमें तो दे रहे हो, तुम्हें तो उस सुनो। अच्छा जैसे उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, उसके बाद जो उसकी घरवाली आएगी वो काम करेगी? वो नहीं करेगी, वो घर पे रहेगी आराम से। तो यानी कि तुमने जो दो आदमी काम कर सकते थे उनमें से एक को वैसे ही ख़त्म कर दिया, अब वो घर में बैठ के पैसे खर्च करवाएगी। वो तो गधे की तरह बाहर कमाएगा और वो घर पे बैठेगी है? अब तुम क्या है, अब तुम दोनों आते हो, पति पत्नी आते हो, दोनों मेहनत करते हो, ठीक, साथ साथ रह रहे हो। मजबूरी को नाम महात्मा गांधी, मजबूरी नहीं है ये, मैं बताऊँ मेरी सोसाइटी में वहाँ पे वे 5 लोग आते हैं गाड़ी साफ करने के लिए। पता है कितनी गाड़ी है पूरी सोसाइटी में? 100 के करीब गाड़ी है, और 100 गाड़ी, एक गाड़ी से 1,000 रुपये लेते हैं। कितने हो गए? 1,00,000 रुपया। कितनी देर काम होता है? 1 घंटा। दो घंटे काम करते हैं, 2 घंटे के बाद वो फ्री हैं। अब लग बड़ा छोटा सा काम लग रहा है ये तो, अरे गाड़ी साफ करने का है, लेकिन उस चपरासी के काम से जो दिन भर वहाँ पे रहेगा, सबकी वो करेगा। ओहो जो इंस्पेक्टर बन गया तो और बुरी हालत है, इंस्पेक्टर की तो और बुरी दुर्गति होती है। वो कितना ईमानदारी से काम कर ले फिर भी नहीं कहेगा साला हराम का कमा रहा है, और इतनी बद्दुआ लगती है उसे तो बहुत ज़्यादा, उसकी तो स्थिति खराब है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ना पढ़ाई करके अपंग मत बनाओ, उसे हाथ का कारीगर बनाओ। उसका मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो कुछ भी ना करे तो अपना गुजारा चला ले। ये देखो यहाँ पे जितने भी ये स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ जितने बच्चे रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिवाय अपने माँ बाप के पैसे को खर्च करने के अलावा यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ाई करने के बाद वो ना जॉब मिल पाती है उन्हें, ना कुछ कर पाते हैं। अब तुम्हारे जैसा काम कर नहीं पाएंगे और बड़ा काम मिलेगा नहीं। तो अब तुमने ये कहाँ से सीखा था, तुमने कहाँ से सीखा था? दिल्ली। क्या पैसे दिए सिखाने वाले हैं? कुछ ना दिए ना, तब बताओ। तो तुम समझदार हो या वो लोग समझदार हैं जो 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे? हमने 55 रुपया है, 55 से शुरू करिए ना। तो तुम्हारा जो है ना 1 रुपया खर्च नहीं करा और तुमने जो है पहले दिन से ही पैसे कमाने शुरू कर दिए। देश के प्रधानमंत्री पता है क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं नौकर मत बनाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों को मालिक बनाओ। तो तुम हो मालिक, जिसके हाथ का दस्तकार है ना जो, वो है मालिक।
वो दुनिया में कहीं पे भी जाकर काम कर लेगा, वो भूखा नहीं मरेगा कभी भी। हमारी तो बाबू जी ऐसी नौकरी है। हाँ जाना सट पट करो, थैला उठाओ, थैला उठाओ, चल दो, मालिक हो गए ना, बगल में लग गए, तो कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपनी मर्जी के मालिक है। शाम को 6 बजे तक काम करना है, 5 बजे तक करना है, ठीक है। आज नहीं जाना काम पे, मना कर दी भाई साहब, नहीं आ पाऊंगा। अब भाई साहब के पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, कर लो जी, मुरली बाबू छुट्टी कर लो, कल आ जाना। अब जैसे राहुल है, 2 दिन मेहनत करी और 2 दिन बोला मैं आराम कर रहा हूँ, नहीं आऊँगा, तो नहीं आया। तो भाई बच्चों को आप आत्मनिर्भर बनाओ ना, आप तो शिक्षा की बैसाखी दे करके एक तरीके से उन्हें ख़राब कर रहे हो। मतलब पढ़ाई करना गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई किस चीज़ की हो ये पता होना चाहिए ना। तो पढ़ ले रहे, सिर्फ ये किताब पढ़ना ही पढ़ाई नहीं है, उसके साथ हमें काम ऐसा आना चाहिए जिससे हम अपना गुजारा अच्छे से करें। जिसे जिस काम को तुम कर रहे हो ना, इसी को ही तो बोलते हैं इंजीनियर बन के आ गया जी हमारा लड़का। क्या आ गया? सिविल इंजीनियर बन के आ गया जी। वो कितने पैसे खर्च करे वहाँ पे, करोड़ों रुपए खर्च करके आया, और फिर क्या करेगा, फिर वो बिल्डर के यहाँ नौकरी करेगा। तुम अपना काम कर रहे हो, आज तुम अगर यहाँ पे भी ना करो तो अपनी मर्जी से अपना भी काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो भैया मोदी जी की बात को मानो, प्रधानमंत्री की बात को मानो, नौकरी मत मांगो उनसे। बच्चों को काबिल बनाओ, पढ़ा लिखाओ, और मालिक बनाओ, ने नौकर मत बनाओ। तो जिनने पढ़ाया लिखाया ना, आज ही आया है वो, एक सिंघानिया है गोदरेज कंपनी का मालिक, उसके बेटे ने 12,000 करोड़ रुपए लेके उसको घर से भगा दिया। जब तक हम इसकी तैयार कर रहे हैं।